भाई इसको देखने का ना बड़ा मन करता है, देख के ना दिल खुश सा हो जाता है। पकड़ पकड़ ऑफ कर बाइक ऑफ कर। तो भाई लोग अभी ना अपनी बाइक जो है वो नीचे लग गई है। पता नहीं यार, आई डोंट थिंक कि मैं इसके बाद बाइक जो है चला भी पाऊंगा। ये सब चीजें अफोर्ड करना भाई हमारी औकात के बाहर था एक टाइम तक। Hi guys, good morning, welcome back to a new vlog। क्या हाल चाल आप लोगों के, होप से लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो ये लोग मैं रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए। आज हम लोग जा रहे हैं बाइक चलाने के लिए दिन में भी। यू गाइस ना जल्दी जल्दी सीख रही है तो दिन में भी जाएंगे एंड रात में भी चलाएंगे, तो थोड़ा ज्यादा जल्दी जल्दी आ जाएगी अपने को बाइक चलाना। बाकी गाइस मैंने कल एक चीज नोटिस किया कि बाइक को ना जितना स्लो चलाओ ना उतनी ही बाइक कंट्रोल में रहती है। अगर ब्रेक भी लगानी हो, क्लच से गियर नीचे करना हो तो ईजी रहता है अगर स्लो चले। जब मैं स्पीड में चल रहा था तब मेरे को दिक्कत आ रही थी, तो मेरे को ना स्लो ही चलानी है अभी बाइक या स्कूटी जो भी हो। पहले तो अपनी 10R को एक बार जाके देख लेते हैं, कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद निकलेंगे एंड देखते हैं कि अपनी 10R को ले जाना या फिर नहीं ले जाना, वो भी वहीं डिसाइड करेंगे। तो चलो चलते हैं। गाइस ये रही अपनी ZX10R। अभी भाई इसको देखने का ना बड़ा मन करता है, देख के ना दिल खुश सा हो जाता है। और अभी तो एकदम नई नई है, क्लीन सी है, तो और भी ज्यादा चमक रही। वैसे तो ये भी चमकेगी अगर गंदी भी होगी, क्योंकि ग्रीन कलर एकदम ब्राइट कलर है। तो अभी ना इसको एक बार कोल्ड स्टार्ट करते हैं। इसकी दो कीज थी, एक मैंने निकाल के रख ली है, कभी कुछ भी हो जाए तो दूसरी की बहुत जरूरी, तो मैंने इससे निकाल ली। दोनों की एक साथ ही थी, तो इसको हम लोग डालते इसमें एंड पुश करके करते स्टार्ट। नहीं हुई, ओके फिर से ट्राई करते हैं। ओके गाइस बाइक हो चुकी है अपनी स्टार्ट एंड फिलहाल देख सकते हो आप लोग ये ना रेन मोड में की हुई है गाइस, इसीलिए क्योंकि इसका जो ट्रैक्शन है ना रेन मोड में बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। और अभी आपको पता है मेरे को चलानी नहीं आती, तो कंपनी वाले जो भैया थे उन्होंने मेरे को सारे मोड्स डाल के रखे हुए, उनको भी पता है मैं बिगिनर ही हूँ, मेरे को चलानी अच्छे से आती नहीं है। एंड आप लोगों से बहुत सारे लोग ना कमेंट कर रहे थे कि आप अभी बिगिनर हो तो आपके लिए ना ये बाइक जो है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से चलाना। तो इसी वजह से हम लोग ना अभी इसको ज़्यादा बाहर भी नहीं निकालते, क्योंकि मेरे को बताया बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है कि अगर एकदम से, क्योंकि मेरे को नॉर्मल बाइक्स का 160-200 CC की आदत है, मैं एकदम से एक्सेलेटर दबा जाऊँ, अगर इसमें दबा दिया तो भाई ये बाइक उड़ के पता नहीं कहाँ चली जाएगी। और अभी तो इसको नॉर्मल मोड में क्या हुआ, अगर तो स्पोर्ट्स मोड में डाल दिया फिर तो भाई खतरनाक सीन हो सकते हैं। एंड यही है, अभी एक बार इसको ना स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से, और न्यूट्रल में ही है। हाँ भाई बहुत ज़्यादा ही लाउड हो जाती है जैसे इसको स्टार्ट करते हैं एंड फ्यूल बहुत ज़्यादा कम है, फ्यूल डालना है इसमें यार बहुत जल्दी से। और इसके आगे की लाइट्स देखो ज़रा एक बार, खतरनाक। ओके भाई लोग, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे एंड आप लोग व्यू देख ही सकते हो, क्या ही खतरनाक वाला मस्त वाला व्यू, एकदम खाली रोड। तो मैं चलाने वाला हूँ यहाँ पर बाइक। आप लोग याद होगा मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर जो स्कूटी चलाई थी एकदम इजीली मैं चला पा रहा था, आज हम लोग बाइक चलाने वाले। इसमें फायदा ये है ना कि यहाँ पर मोड वगैरह सब है, तो मैं मोड वोड में काट के एकदम आराम से मेरे को ना आदत हो जाएगी मोड वोड में चलाने की। तो अभी एक दो राइड लेते हैं एंड फिर मैं गोप्रो लगा के आपको भी दिखाता हूँ कैसी चला रहा हूँ। तो भाई लोग अभी फिलहाल मैं चला रहा था बाइक एंड थोड़ी बहुत मैंने एक दो राउंड मार लिया, इसके बाद मैं गोप्रो लगा के आपको भी दिखाऊंगा। बाकी आप लोगों ने खतरनाक सी चीज दिखाता हूँ, यहाँ देखो ये जो रोड है ना ये टूटा हुआ है एंड इसकी वजह से ना हम लोग को पूरा ये वाले रोड से घूम के आना पड़ता है, पूरे पीछे वाले पहाड़ से आगे बहुत ज़्यादा बहुत टाइम लग जाता है, नहीं तो इतना तो सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। बट ये देखो जरा क्या हाल हुआ है रोड का ना, पूरा का पूरा रोड ही टूटा हुआ है बहुत ही गंदे तरीके से ना, पूरा रोड मतलब फ्लाईओवर टाइप था ऊपर को पूरा धस चुका है। आप लोग देख ही सकते हो क्या हालत है इसकी, बहुत ही गंदे वाली बुरे वाली हालत है, बहुत ही गंदे तरीके से टूटा हुआ है एंड अब पता भी नहीं है इसमें कितना टाइम लगने वाला है। मेरे को लगता है भाई जिस हिसाब से काम चल रहा है 1 साल इसमें और लग जाएगी, बट कोई ना अभी फिलहाल के लिए मैं गोप्रो लगाता हूँ एंड आप लोगों को दिखाता हूँ। और अभी ना मैंने सही से बाइक चला ली है, तो हो सकता है कि आज शाम को हम लोग अपनी 10R को बाहर निकाले फाइनली, तो देखते हैं क्या सीन बनता है। तो भाई लोग अभी मैं चलाने वाला हूँ आप लोगों के सामने बाइक, होपफुली इसमें मेरी अच्छे से आवाज़ जा रही होगी, रिकॉर्ड हो रहा होगा अच्छे से। और ये हम लोग चल पड़े हैं, अरे 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 चलो डल चुका है पहला गियर। लेट्स गो एंड आज हम लोग ट्राई करते हैं इसकी 10R को ना बाहर निकालेंगे। और ये देखो ये भी गाड़ी चला रहे हैं फिलहाल के लिए एंड हम लोग एक चक्कर मार के आते हैं आगे का। ओके वापस हम लोग वही लोकेशन में पहुंच चुके हैं, देखो कितना खतरनाक वाला सीन होके रखा है नीचे एंड चलो अभी यहाँ से, यहाँ पे ना कुछ ऑयल वगैरह गिरा हुआ है गाइस बहुत गंदे तरीके से ना, यहाँ पे स्लिप हो रही है बाइक ना, तो थोड़ा ध्यान से ले जाना पड़ेगा मेरे को, कहीं गिर विर ना जाए, पता नहीं ऑयल ऑयल गिरा हुआ है कुछ तो। चलो मोड़ लेते हैं बाइक को, पता नहीं मुड़ेगी कि नहीं यहाँ से, ट्राई करता हूँ। ओके निकल गई। ओके चलो अब वापस ले चलते हैं बाइक को
एंड चलो जी चलो और यहाँ पे भी ना रोड का ही काम चल रहा है गाइस देख लो। और बाइक की स्पीड बहुत स्लो हो गई यार। ओके अब सही हुई। चलो और ये देखो गाइस पहाड़ों का व्यू कितना खतरनाक है। और ये पहाड़ों के बीच में रोड बना हुआ है बेचारा। एंड अभी तो फिलहाल के लिए बंद हुआ हुआ है वो टर्नल है। एंड चलो अभी वापस चलते हैं वहीं पे अपने दोस्तों के पास। पता नहीं गाइस वो दिन कब आएगा जब हम लोग आराम से अपनी 10R को रोड पे चला पाएंगे मेन हाईवे पे। एंड मैं मोटो व्लॉग शूट कर रहा हूँगा अपनी 10R से। पता नहीं वो दिन कब आएगा बट जल्दी आ जाए तो मज़ा आ जाए यार कसम से। मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ कि हम लोग 10R में कब अपनी 10R पे शूट करें मोटो व्लॉग। एंड मुझे पता है आप लोग भी वेट कर रहे होंगे बट कोई ना गाइस जल्दी से जल्दी मैं सीख लूँगा बाइक चलाना। एंड फिर उसके बाद हम लोग जो है करेंगे शूट। तो भाई लोग अभी मैं घर पहुंचा एंड यहाँ पर देखो भाई जरा बस यार घर पहुंचते ही स्कूल से आया एग्जाम दे के भाई पढ़ के बैठा हूँ अभी भी। एग्जाम पढ़ के तू बैठा है भाई हो ही नहीं सकता भाई कहाँ है बुक से और देखो आते ही गेम पे लगा हुआ है भाई। गेम नहीं खेल पाई जो पहले बोलता हूँ मैं जब भी गेम मैं बहुत कम मजे के लिए गेम खेला। अभी मैं रैंक पुश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को रात को वीडियो बनानी है इसलिए थोड़ा सा रैंक पुश बचा है उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। सही लग तो नहीं रहा मेरे को। तेरे को पता है मेरे कैसा गया तेरा एग्जाम? एग्जाम कैसा गया तेरा? मेरा एग्जाम बहुत ही मस्त गया। मैंने वही मजाक नहीं आज जो चीटिंग मारी है ना उफ। वैसे तो ये पेपर्स वाले वो टेस्ट टाइप के 30 marks के बट फिर भी भाई जो मैंने चीटिंग मारी ना ओ भाई साहब। भाई क्या यार पढ़ लिख भी लिया कर कभी दिन भर गेम खेलता रहेगा। मैं भाई कैसे पास होगा तू 10th में इस तरीके से? भाई मेरे को सच में अब मजाक नहीं कर रहा मैं सच बताऊं मेरे को सच में डर लग रहा है 10th में पास होने का। क्या होगा इसका कमेंट करके बताओ 10th में क्या होने वाला है इसका जिस तरीके से इसके हाल है क्या होगा इसका 10th में? सोचो मेरे को 10th का डर लग रहा है यार हो पाऊंगा क्या भाई अब पता नहीं इसका क्या होगा क्या मैं हो पाऊंगा पास पता नहीं भाई मुझे तो जैसे तू पढ़ रहा है उस तरह से मेरे को लग नहीं रहा तू ओपन भाई पता कुछ नहीं पता मैं हो भी सकता हूं। चलो देखते हैं गाइस बाकी भी लगभग घर पहुंच गए अभी कुछ खाने के लिए जाते हैं लग रही है तब तो भाई खत्म। तो भाई लोग फिलहाल मैं हो चुका हूं जिम के लिए रेडी एंड खाना वाना कर लिया था। एंड देखो सनी अभी भी लेट ही हुआ है यहां पे भाई 1-2 घंटे हो गए क्या भाई मतलब जनता देख रही है भाई जनता सब देख रही है यार जनता को झूठ बोलता है ना। मेरा जब पेपर स्टार्ट होगा ना तो मैं एक व्लॉग सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं हर दिन का पेपर का व्लॉग करूंगा। भाई ये देखो अभी भी गेम खुली है यार भाई वीडियो बनानी है देख भाई कभी तो पढ़ ले भाई। देखो अब मैं जिम जा रहा हूँ जिम से वापिस आके तू पढ़ते हुए मिलना चाहिए ठीक है भाई पढ़ता हुआ मिलना चाहिए तू। मैं जिम से आती ना गाइस जैसे ही एंटर करूंगा ना पहले ही व्लॉग स्टार्ट करूंगा और फिर देखेंगे ये सनी क्या कर रहा है ठीक है। जिम से वापस आऊंगा ना फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। अगर तब भी पढ़ते हुए नहीं मिला ना भाई फिर तेरी पिटाई हो जाएगी मम्मी को बोलूंगा फिर मैं पढ़ नहीं रहा बिल्कुल भी। अभी चलते हैं गाइस जिम के लिए एंड उसके बाद हमारा प्लान बन रहा है शायद आज हम लोग ना 10R को बाहर निकालेंगे क्योंकि यार देखो लाई है 2 दिन हो गए खड़े हुए को थोड़ा करते हैं बाहर को निकालते हैं। मेरी तो हिम्मत नहीं होगी यहाँ से बाहर निकालने की लेकिन देखते हैं मानव को बोल दूंगा वो निकाल के दे देगा नीचे रास्ते में एंड थोड़ा बहुत राइड करेंगे बाइक को रोड पे एंड देखते हैं क्या सीन बनते हैं। हेलो गाइस तो अभी का सीन कुछ ऐसा है आज हम लोग ना 10R को रात में बाहर निकाल के ले जा रहे हैं। तो ये रही अपनी बीस्ट एंड मानव इसको चलाने वाला है क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरे को तो चलानी आती नहीं है अभी मतलब बाइक तो चलानी आती है लेकिन इस पे मैं रिस्क नहीं ले सकता बिल्कुल भी। तो हम लोग ना आज पहली बार अपनी 10R पे राइड लेने वाले लेकिन इसको ना एकदम प्लेन रोड पे चलाऊंगा मोड वोड पे मैं रिस्क नहीं ले सकता बिल्कुल भी क्योंकि बहुत ज्यादा भारी बाइक है एंड मेरे को तो डर लग रहा है मानव चला लेगा ना पक्का भाई एक स्क्रैच भी लग गया ना कुछ नहीं होएगा यार एक स्क्रैच भी लग गया ना भाई दिल टूट जाएगा कसम से। ये देखो अपनी बाइक इसको बस स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बुरा लगता है मतलब गाड़ी बाइक किसी भी एक थोड़ा सा भी स्क्रैच लग जाए ना और नई नई है अभी 2 दिन वाली हुए तो भाई हालत खराब हो जाए। इसी वजह से ना मैं खुद से नहीं चला के ले जा रहा हूँ क्योंकि यार कुछ भी हो सकता है रिस्क नहीं ले सकते एंड मानव चलाएगा अभी वहां पहुंचते लोकेशन पे एंड फिर आज 10R पहली बार चलाने वाला हूँ। अपनी जो बाइक स्टार्ट हो चुकी है एंड चलो लेके चलते हैं इस बीच
Hey guys, what's up? तो अभी हम लोगों ने करवाया 10 आर का फर्स्ट फ्यूल अप. वैसे तो हम लोगों ने इसमें बोतल से डाला था थोड़ा सा पेट्रोल, बट मतलब पेट्रोल स्टेशन में आके पहली बार हम लोगों ने इसमें तेल भरवाया है. एंड अब फाइनली ये चल चुकी है 2 किलोमीटर. कहाँ दिखा रहा है? हाँ, ये 2 किलोमीटर अब चल चुकी है. यहाँ अब दिखा रहा है 2 किलोमीटर चल चुकी है हमारी फाइनली बाइक. एंड मस्त चलाई इसने. कब तक चला लूंगा मैं खुद से? चला लेगा बस तू. आज चलाते हैं गाइस थोड़ी बहुत. और ये चेक करो गाइस लुक्स कैसी लग रही है. फ्यूल अप हो चुका है हमारा और फुल नहीं करवाया इसमें. पता नहीं क्यों लिखा हुआ भी है इसमें कि फुल मत करवाना, तो ज्यादा फुल नहीं करवाया है. एंड क्योंकि फ्यूल से भी थोड़ी बहुत भारी हो जाती है क्या? नहीं नहीं भाई, इस पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, नोटिस हाँ, दिया हुआ. चलो फुल नहीं तो मतलब करवा ली अच्छी खासी, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन ये बहुत ज्यादा तेल पिएगी भाई. खतरनाक. बस काफी है. तो भाई लोग अभी लोकेशन में पहुंच गए एंड फिलहाल मैंने ये लगा लिया है GoPro आप लोगों को दिखाने के लिए. थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं. एंड मैं तो कसम से यार बहुत ज्यादा डरा हूँ, क्योंकि यार देखो आप लोगों को पता ही यार, जब मेहनत से कोई चीज ली जाती है ना यार, इतनी महंगी, वो भी तो एक स्क्रैच भी आ जाए ना तो बहुत ज्यादा दुख होता है भाई. और ये बाइक तो ना मतलब दिल के काफी ज्यादा करीब है, तो मैं नहीं चाहता थोड़ा सा भी कुछ हो. क्योंकि यूजली गाड़ी में क्या होता है ना गाइस, हम लोग ब्रेक मारते तो गाड़ी एक जगह पे खड़ी हो जाती है. इसमें दिक्कत ये है ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल चलेगी ना तो गिरेगी. एंड फिर ये देखो कितना अजीब सा लग रहा है, और फिर दिक्कत आ जाएगी. तो वही चीज़ है, बाकी फिलहाल के लिए ट्राई करते हैं एंड देखते हैं गाइस क्या सीन बनता है. आ जाओ गाइस, बाइक को कर दिया स्टार्ट. फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ भाई उठाने में भी ऐसा लग रहा है ना इसको. अभी मैं स्कूटी चला के आया हूँ, सो तो स्कूटी से सीधा ये चलाना कैसा है. चलो हैंड स्कोटा. वैसे इसमें एक बात अच्छी है, इसकी जो स्टैंड है ना वो बड़ी इजीली, एक बार में धक्का दो ना एक बार में आ जाता है. लेकिन बाइक और स्कूटी से मैंने किया उसमें पूरा लेके आना पड़ता है. फिलहाल बाइक न्यूट्रल पे है एंड इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट. अभी तो कहीं जाएगी नहीं है. ओके गाइस अभी करते हैं अपनी बाइक को स्टार्ट एंड हियर वी गो. चलो हो चुकी है बाइक स्टार्ट और अभी है न्यूट्रल में, दोनों के दोनों वो कर दिया ऑन. जय माता दी. करते हैं स्टार्ट सबसे पहले तो. अच्छा ठीक है, वो उठा दिया है और यहाँ से रवाना है अपने को. ओके बॉयज लेट्स गो. फर्स्ट गियर पे डालता हूँ बाइक को. ओके भाई गियर, फर्स्ट गियर पे डालते ना ऐसा झटका सा पड़ा है ना भाई, आगे को गई एकदम बाइक. चलो थोड़ा थोड़ा क्लच छोड़ेंगे. ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं देना ना. नहीं 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 नॉर्मल. यार एक बार ना दूसरी बाइक चलाता हूँ एक बारी. ले गया क्या? नहीं पहले दूसरी बाइक चलाता हूँ एक बारी. ठीक है ऐसे ही नीचे ही ऐसी खुली खुली. हाँ तेरे को डर लगेगा अभी नीचे गिरने गुरने का इसका. हाँ ठीक है वाइड इतना देर खान की नहीं. क्लच छोड़ा. हाँ. क्लच छोड़ बस इसमें जो ये ना रेस दिन लगी सुधर गई रेस है ना जो. हाँ. शुरू मिलेगा तू कंट्रोल कर. हल्की सी रेस देनी है बस धीरे. ऑफ कर बाइक. तो भाई लोग अभी ना अपनी बाइक जो है वो नीचे लग गई है एंड पता नहीं यार बहुत बुरा लग रहा है यार कसम से भाई, रोने का मन कर रहा है यार. इसी चीज़ का डर था कि भाई बाइक ना नीचे ना गिर जाए यार, और वही हुआ यार कसम से यार. अभी वो लोग चेक कर रहे हैं उसका ना स्क्रैच पड़े एक दो, और पता नहीं गियर जो था ना उसका जो गियर है
वो अंदर को चला गया है, पता नहीं अब क्या ही होगा। मैंने बाइक चलाने से पहले ये चीज़ बोली थी कि भाई बस बाइक गिरनी नहीं चाहिए यार, और पता नहीं यार आई डोंट थिंक कि मैं इसके बाद बाइक जो है चला भी पाऊँगा, क्योंकि अंदर से ना एक डर है यार, क्योंकि बाइक भी ना ये ऐसे ना मेरे को बहुत डर सा लग रहा था चलाते हुए भी। मैंने थोड़ी बहुत चला ली थी, आपने पता नहीं GoPro में शायद रिकॉर्ड हुआ होगा, और मैंने थोड़ी बहुत चला ली थी एंड फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मोड़ पे ना मेरा बैलेंस ही नहीं बना और बाइक गिर गई। पता नहीं यार बहुत बुरा लग रहा है, देखते हैं। मेरे को तो अभी देखनी भी नहीं है बाइक यार, वो उसका जो हैंडल है ना साइड में वहाँ पे स्क्रैच आ गया, और जो इसका इंजन होता है ना जहाँ पर उसका प्रोटेक्टर बाहर, उसमें भी स्क्रैच आया है। चलो क्या करें, अभी जाना तो पड़ेगा ही, देखते हैं ज़रा। उन लोगों ने बाइक देख रहे हैं वो लोग, गियर उसका गियर जो है ना वो गियर में भी दिक्कत आ गई है। चलो चलते हैं एंड देखते हैं क्या हुआ है। तो भाई बाइक जो है अपनी वो एक तो यहाँ से जो इसका हैंडल है ना यहाँ पे थोड़े स्क्रैच आ गए, देख सकते हो यहाँ लगी है, और एक जो इसका ये टैंक टाइप है यहाँ पे लग गई, यहाँ पे इसमें ये स्क्रैचेस टाइप पड़ गए, और बाकी तो इसका जो गियर है ना यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो गई थी, ये थोड़ा अंदर को चला गया था, ठीक कर दिया ना अभी तो थोड़ा बाहर आ गया गियर, पहले ना गियर नहीं पड़ रहा था बट अब आई थिंक पड़ रहा है, मालूम नहीं, चला के देखिए अब इसमें गियर पड़ रहा है। ये लास्ट जो हुआ था ना ये था इसका, ये निकला है। चलो ये तो कोई उसका नहीं है, यहाँ पे ये शायद इसको मदद करता है नीचे लाने के लिए, बट ये तो चलो तो लग जाएगा आराम से, बट हाँ मेन इशू ये है, और ये तो चलो इन दोनों को चीज़ों को तो पेंट वेंट करा के ठीक कर देंगे, स्प्रे पेंट मारी उसके ऊपर, हल्का सा पेंट होगा, थोड़ा सा स्क्रैच वहाँ पे आया है, इनको पेंट करवाना पड़ेगा, बाकी गियर का कोई दिक्कत ना है बस। तो भाई लोग अभी घर पहुँच गए एंड घर आते ही सबसे पहले तो मैंने मम्मी पापा को उठा के ना उनको बाइक दिखा दी कि ऐसा थोड़ा बहुत लगी कि ऐसी लगी है, एंड वो लोग तो मतलब वो लोगों ने ये बोला कि बस तू ठीक रहना चाहिए, बाकी बाइक तो चलो थोड़ी बहुत उतनी ज़्यादा भी नहीं लगी है। देखो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि बाइक बहुत ही मतलब कम लगी हो आप लोगों को, बहुत लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता होगा, बट सच बताऊँ तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यार देखो ये सब चीज़ें अफोर्ड करना भाई हमारी औकात के बाहर था एक टाइम पे भी नहीं, अभी 2023 चल रहा है, मतलब आज से तीन साल पहले तक मतलब 20 लाख की बाइक तो क्या भाई, 10,000 की साइकिल लेने की भी औकात नहीं थी, और आज आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया है, प्यार दिया, और उस वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे, मैं मेरा भाई और अपने घर वालों को और ख़ुद को एक ऐसी लाइफ दे पा रहे हैं जिसमें हम लोग इतनी बाइक, मतलब मैं कभी बोलता नहीं हूँ, देखो सीधी सी बात है, मैं आप लोगों ने मेरे को कभी नहीं देखा होगा ऐसी बातें करते हुए, ऐसा बोलते हुए कि ये वो ज़मीन से, मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन गाइस सच बताऊँ तो बहुत सारे जो न्यू व्यूवर्स भी होंगे जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उनको नहीं पता होगा कि मेरा पास्ट क्या रहा है क्या नहीं रहा है। आप लोगों को तो लगता मतलब बहुत सारे नए लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार ये तो बहुत अमीर बंदा है, इसके इतना पैसा है, इसके घर वाले रिच होंगे या ये वो, बट मैं सच बताऊँ तो कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था। आज से 3 साल पहले मैं यही सोलन में रेंट पे रहता था एंड हम लोग रेंट देते थे 6-7 हज़ार, पता नहीं 5,000 कुछ इतना रेंट था अपना, रेंट पे रहते थे एंड वहीं से रेंट वाले घर से ही हम लोगों ने स्टार्ट करके यूट्यूब से ही धीरे धीरे फिर मैंने अपना खुद का यहाँ फ्लैट खरीदा एक, उसके बाद दो, तो यही चीज़ है एंड बहुत बुरा। मैं आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि यार जब मैं बाइक पे बैठने भी वाला था ना, चलाने वाला था, उससे पहले ही मैंने बोला था कि यार बस बाइक लग जाए ना तो फिर बहुत बुरा लगता है, एंड वो फीलिंग जो थी ना जब बाइक गिर गई मेरे ऊपर, तो आई डोंट नो GoPro पे रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, बाकी वो क्रिश डाल देगा एडिट करके, अभी वो एडिट ही करा है तो पता नहीं। बस हाँ यही है कि यार मैं ना बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ें मैं वही कह रहा था कि ये चीज़ें हम लोगों के लिए अफोर्ड करना बहुत बड़ी बात है, एंड अब जब हम खरीद पा रहे हैं ना तो मुझे ना भाई मतलब एक एक पैसे की मुझे पता है कि यार कैसे 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 कमाया है, और एक एक पैसा आज से 3 साल पहले जब भाई मेरे जेब में 100 रुपये नहीं होते थे, तो आज जब मैं 20 लाख की बाइक चला रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से उसकी कदर है कि अगर एक स्क्रैच भी लगे तो कितना दुख होता है, तो वही चीज़ है। बाकी बाइक तो खड़ी करती है, देखो उतनी ज़्यादा भी नहीं लगी है एक तरह देखा जाए, बट बहुत बुरा लग रहा है। एक तो ना स्क्रैच वैच तो चलो हम लोग उसको ठीक कर देंगे पेंट वेंट करके, मैं सोच रहा हूँ अभी इसको ठीक नहीं करवाएंगे, कंपनी में जाके इसको जब सर्विस पे जाएगी पहली तभी ठीक करवाएंगे, बाकी वो जो
गियर चला गया था ना थोड़ा सा अंदर, वो तो उसने ठीक कर दिया बाहर निकाल के। गियर स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही थी पढ़ने में, बट अब शायद पढ़ रहे हैं। वहाँ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल गया था, मैं तो भाई रोने वाला था, बट मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया क्योंकि क्या ही बोल सकते हैं। बट ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। बट कल से तो मैं ट्राई करूँगा कि कोई भारी बाइक लूँ किसी फ्रेंड की या किसी की भी, एंड उसमें चलाना सीखूँ पहले बाइक, एंड उसके बाद इसको चलाएंगे। अभी तो मैं इसको बाहर नहीं निकालने वाला हूँ। एक दो हफ्ते तक मैं सोच रहा हूँ कि कोई भारी बाइक जो इसके जितनी भारी है उस बाइक को चलाऊँ और अपना जो डर है ना उसको ख़त्म करूँ और फिर एक दिन निकालूँ एंड चलाऊँ। भाई गाइस, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। मैंने भाई सोचा भी नहीं था, आज मैंने सोचा था कि डालेंगे व्लॉग माई फर्स्ट राइड ऑन माई न्यू बाइक ZX10R, बट फर्स्ट राइड की जगह। बट ठीक है गाइस, भाई लोग आज के व्लॉग के लिए इतना ही। बाकी अगर मैं कल व्लॉग करूँगा तो, क्योंकि मेरा तो मूड ठीक नहीं है बिल्कुल भी, मेरा तो एंडिंग देने का भी मूड नहीं था, बट देखते अगर कल व्लॉग करूँगा तो ज़रूर डालूंगा। बाकी बाय बाय गाइस।